सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है AORUS X570 XTREME मदरबोर्ड। अब इस मदरबोर्ड को स्पेसिफिकली मैं स्पेशली कवर करना चाहता था, बट फिर दिक्कत क्या हो गई कि बीच बीच में वो इंटेल की प्राइस कट की लीक्स एंड नावी एंड पता नहीं क्या क्या न्यूज़ आती गई, तो मैं उनको कवर करने बैठ गया। ये वीडियो मैंने बनाई पहले की है, बट मैं अपलोड शायद मे भी बाद में कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो वो सीन हो गया, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली इसको बाद में शेड्यूल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आ रही है नावी की, इंटेल की। तो पहले मैं उनकी वीडियोज डालूंगा, फिर इसको डालूंगा। तो पता नहीं ये वीडियो आपको फ्यूचर में कब देखने को मिलेगी। सो X570 और X570। पहले तो मैं इस मदरबोर्ड को स्पेसिफिकली क्यों कवर कर रहा हूँ, पहली बात तो ये कमेंट्स देखो, ये आप लोगों के कमेंट्स हैं। तो बहुत सारे लोग इन AORUS के इस एक्सट्रीम मदरबोर्ड में इंटरेस्टेड थे, बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि इस बार ऐसा क्या नया हुआ है, बिकॉज एक हाइप बनी हुई है कि 16 फेज का VRM AORUS जो है उसको ब्रांड कर रहा है 16 फेज के VRM के उससे मार्केट कर रहा है। तो ऐसा है क्या इसको लेना वर्थ इट है क्या, जब 7 तारीख को CPUs और GPUs और तुम्हारे ये सब रिलीज होंगे, तुम नए नए PC बिल्ड करोगे Zen 2 बेस नए 3000 सीरीज के CPUs के ऊपर AMD के, तो क्या तुम्हें यह मदरबोर्ड कंसिडर करना चाहिए? क्या इस मदरबोर्ड में 16 फेज है? ऐसा क्या है 16 फेज में, ज्यादा फेज होने से क्या फर्क पड़ता है? वो सब थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं इस मदरबोर्ड में। ऐसा देखो, पहली बात तो यस, इसके अंदर एक 16 फेज VRM कंट्रोलर है। ये मदरबोर्ड मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे आप ऊपर भी पढ़ सकते हो AMD X570 AORUS मदरबोर्ड विद 16 फेजेस इन्फिनियन डिजिटल VRM। तो यस, 16 फेजेस इन्फिनियन डिजिटल PWM करते तो ज्यादा सही रहता, बिकॉज VRM में अगर मैं बताऊं आपको, लेट्स सी। सो इस मदरबोर्ड के अंदर Gigabyte ने यूज किया इन्फिनियन की तरफ से आने वाला 16 फेज का PWM कंट्रोलर, जिसकी वजह से इसको AORUS मार्केट कर रहा है, या मैं कहूँ Gigabyte मार्केट कर रहा है इसको 16 फेज VRM के उससे। और मैं जरा नीचे कर लूँ, ये देखो, तो ये आपको दिख रहा है जैसे यहाँ पे पावर कनेक्टर के नीचे पे, ये है इन्फिनियन का 16 फेज PWM कंट्रोलर। देखो, मैं इस वीडियो में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बिकॉज जब रिव्यूज पब्लिश होंगे तो बहुत सारे लोग कंटेंट कॉपी भी करते हैं, तो समझ जाओ, इस वजह से मैं ज्यादा डिटेल बता नहीं सकता, वरना वो लोग उसमें कॉपी मार लेंगे। तो यहाँ पे 16 फेज का मतलब क्या, देखो बहुत सारे लोग जानते हैं कि जितने ज्यादा फेज हो मदरबोर्ड में और अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज हो तो वो उतना बेहतर होता है। ये एक एक्सट्रीम सीरीज का मदरबोर्ड है AORUS की तरफ से आने वाला, तो मतलब कि ये इनका सबसे हाई एंड मदरबोर्ड है, तो ऑफकोर्स इसके अंदर ये सब कुछ हाई एंड तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। तो जब सब कुछ हाई एंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री का पहला 16 फेज VRM कंट्रोलर है। इससे पहले इंडस्ट्री में 16 फेज VRM कंट्रोलर नहीं था, ये सबसे पहला 16 फेज VRM कंट्रोलर। देखो, तुम्हें 10 फेज देखने को मिल जाएगा VRM कंट्रोलर। 10 फेज वैसे पहले भी थे, बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, बट फिर अगेन वो बहुत रेयरली यूज होते थे। अभी जो सबसे ज्यादा हाल फिलहाल में 10 फेज VRM कंट्रोलर यूज होना शुरू हुआ, वो हुआ NVIDIA के कार्ड्स में, जो 20 सीरीज के कार्ड्स आए हैं। सबसे इससे भी पहले से थे, वैसे NVIDIA के कार्ड्स भी पहले से थे ज्यादा PWM, ज्यादा फेज वाले PWM कंट्रोलर्स, बट फिर अगेन एक था वोल्टेरा का, वो शायद Gigabyte ने अपने किसी मदरबोर्ड में यूज किया था, नहीं Gigabyte ने नहीं किया था उसे यूज, मतलब एक वोल्टेरा का था एक 10 फेज का VRM कंट्रोलर, काफी पहले की बात है। और 16 फेज कुछ ऐसा नहीं है कि 16 फेज बहुत बड़ी बात है Gigabyte के लिए, Gigabyte के लिए 16 फेज बड़ी बात नहीं है। अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली Gigabyte की बात करूं, Gigabyte इससे पहले भी मदरबोर्ड बना चुका है 16 फेज से भी ज्यादा फेजेस के मदरबोर्ड, तो यहां पे 16 फेज को इतनी मान्यता क्यों दी जा रही है, क्यों 16 फेज का हवा बन रहा है जब Gigabyte 16 फेज से भी ऊपर के बना चुका है। Gigabyte का एक मदरबोर्ड था, एज फार एज आई नो Gigabyte का एक मदरबोर्ड था Z68XUD7 आई गेस अल्ट्रा ड्यूरेबल 7 सीरीज का, हाँ, तो ये मदरबोर्ड अच्छा था, इसमें थे आई थिंक 24 फेजेस। तो Gigabyte के लिए 16 फेजेस ज्यादा नहीं है, Gigabyte 24 फेजेस बना चुका है, चलो 24 फेजेस भी तुम्हारे लिए क्या पता कम हो। Gigabyte का एक और मदरबोर्ड था जो था कि Gigabyte का मदरबोर्ड था, उसका नाम था आई थिंक Z77XUP7 था, वो यूडी नहीं था, वो यूपी था, अल्ट्रा पावरफुल UP7 था, वो मदरबोर्ड था इनका 32 फेजेस का। तो Gigabyte के लिए 16 फेजेस ज्यादा नहीं है, Gigabyte ने 32 फेज तक के VRM बनाए। इवन इनका एक मदरबोर्ड है AORUS C627 चिपसेट के लिए बनाया इन्होंने, एक्सट्रीम मदरबोर्ड है वो भी, उसमें भी इन्होंने 32 फेजेस यूज करे हैं। तो Gigabyte के लिए 32 फेजेस बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि ये 16 फेज का जो PWM कंट्रोलर है इसमें डबलर्स यूज नहीं हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि डबलर्स यूज होते थे 32 फेज 16 फेज 24 फेज जैसे हाई फेज काउंट अचीव करने के लिए, लेकिन यहां पे तुम्हें कोई डबलर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए ये एक
ट्रू 16 फेज है, इसीलिए गीगाबाइट इसे इतना मार्केट कर रहा है और ये एक अच्छी चीज है। इवन गीगाबाइट ने इसमें जो पावर स्टेजेस यूज करी है वो 70 एम्प्स की पावर स्टेजेस हैं, जो कि बहुत एक तरीके से इतना तुम यूज भी नहीं करने वाले हो, फिर भी गीगाबाइट ने तुम्हें इतना हाई एंड कॉम्पोनेंट्स इसके अंदर दिया। हालांकि 70 एम्प्स वो पुश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो इंडक्टर्स की सेचुरेशन करंट पर भी डिपेंड करता है, बट फिर वो अगेन एक टेक्निकल टॉपिक हो गया। बट 70 एम्प्स बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर मैं बोलूँ 14 फेज हैं इनके, अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे से, अगर आप नीचे से काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इनका जो सीपीयू के लिए है वी कोर के लिए वो है 14 फेजेस एंड बाकी जो दो फेजेस हैं वो इनके तुम्हारे तुम अगर एपीयू यूज करते हो तो तुम्हारे आईजीपीयू के लिए वो जो है वो बाकी टू फेजेस एसओसी के लिए तो वो उसके लिए है, तो यानी टोटल 16 फेजेस तुम्हें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है 70 एम्स की पावर स्टेज इसमें गीगाबाइट यूज कर रहा है, तो अगर तुम सबको प्लस कर दो ठीक है, तुम्हें अगर पूरे VRM का करंट आउटपुट निकालना है तो तुम 70 को मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारे अगर मैं सिर्फ CPU की बात करूं तो 14 से, तो तुम देख लो कि तुम्हें कितना ज्यादा करंट मिल रहा है, तुम कितने amps का, गीगाबाइट यहां पर क्लेम करता है 1120 amps का तुम जो है वो टोटल करंट आउटपुट इस VRM से पुश कर सकते हो। सो ये एक इनसेन, मतलब ये एक खतरनाक चीज है और मुझे नहीं पता कि बाकी ब्रांड्स इस इन्फिनियन PWM कंट्रोलर्स को यूज करेंगे 16 फेज को नहीं, बिकॉज हो सकता है गीगाबाइट की कोई डील हुई हो इन्फिनियन के साथ कि भाई तुम्हारे ये PWM कंट्रोलर जो है वो अपने इस सीरीज में सिर्फ हम यूज करेंगे, या फिर मे बी होता है ब्रांड्स के साथ की कुछ हम स्पेसिफिक डील्स होती है, तो हो सकता है ये गीगाबाइट स्पेसिफिक हो क्योंकि मुझे अभी तो किसी और मदरबोर्ड में ये दिखानी, प्लस मेरे पास, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस मदरबोर्ड का इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बाकी मदरबोर्ड का कंफर्मेशन नहीं है, इस मदरबोर्ड का मेरे पे कंफर्मेशन है कि इसमें ये जो कंपोनेंट्स हैं ये यूज हुए हैं और प्लस ये वेबसाइट पे भी लिस्टेड है, प्लस मेरे पास कुछ और एडिशनल चीजें हैं। बाकी जो AORUS के X570 लाइनअप के बाकी मदरबोर्ड से मुझे पता है उनमें कौन से MOSFETs और कौन से कंपोनेंट्स उन्होंने यूज किए हैं, मतलब मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे पास कहीं से एक लिस्ट आई है जिसमें उनके कंपोनेंट्स सब कुछ लिखे हुए हैं, बट अगेन क्योंकि ये लॉन्च नहीं हुए हैं तो मैं कंफर्म नहीं हूं वो सही है नहीं है, और ना मेरे पास फिजिकली मदरबोर्ड अवेलेबल है तो उनके ऊपर मैं इसलिए नई वीडियो बना रहा हूं। बस ये मदरबोर्ड का मेरे पास है तो मैं इसके ऊपर बना रहा हूं वीडियो, अगेन मैं इसको बना पहले रहा हूं, अपलोड मैंने इसको बाद में करना है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वीडियो और शेड्यूल्ड है पहले से। थोड़ा इसके फिजिकल उसके ऊपर जाते हैं। देखो यहां पे गीगाबाइट ने एक चीज यहां पे मेंशन करी है जो कि बहुत फनी है, जो मैं मेंशन करना चाहता हूं बहुत टाइम से। पहली बात तो मैंने तुम्हें ये बता दिया मल्टी फेज पावर डिजाइन, और यहां पे देखो इन्होंने लिखा भी डायरेक्ट 16 फेजेस क्योंकि इसमें कोई डबलर्स यूज नहीं हो रहे हैं ठीक है। और यहां पे देखो सेकंड नंबर पढ़ो, नो डबलर नॉट पैरेलल, नो डबलर तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इसके अंदर डबलर्स यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन नॉट पैरेलल जो गीगाबाइट ने ऐड किया है ये इन्होंने किसी एक और ब्रांड को ट्रोल करने के लिए यूज किया है। अब गीगाबाइट ने किस ब्रांड को ट्रोल करने के लिए यूज किया ये तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा ठीक है। और ये तो नेक्स्ट जेन इन्फिनियन PWM कंट्रोलर मैंने बता दिया, 70 एम्प पावर मैं बता चुका हूं। हाँ, वोल्टेज रिपल, जब तुम तुम्हारी वोल्टेज रिपल डिक्रीज होता है, तुम्हारा रिपल एम्पलीट्यूड की मैं बात करूं तो छोड़ो टेक्निकल, ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, जब तुम फेज बढ़ाते हो तो तुम्हें स्टेबल वोल्टेज मिलती है, इसका कुल मिला के बात ये है ठीक है। और हाई वोल्टेज, हाईएस्ट एफिशिएंसी, बिकॉज हाँ 70 एम्स की पावर स्टेजेस हैं, सबसे हाई एंड पावर स्टेजेस जो तुम खरीद सकते हो तुम्हारे पास वो है, तो तुम्हें एफिशिएंसी तुम्हें हाई मिलेगी मिलेगी। और यहाँ पे गीगाबाइट ने एक चीज यूज करी है, द लोएस्ट वोल्टेज रिपल। मेरा ये मानना है कि अगर गीगाबाइट को, जिस ब्रांड को गीगाबाइट ट्रोल कर रहा है, अगर तुम्हें सचमुच उसे ट्रोल करना था, तुम्हें वोल्टेज रिपल की जगह पर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखना चाहिए था, क्योंकि फिर जो है वो तुम्हारा ट्रोल थोड़ा मस्त लगता ठीक है। तो वो गीगाबाइट ने नहीं किया, मे बी ऐसे ही ठीक है। तो ये हो गया, बाकी तो यहाँ पे नॉर्मल तुम्हें एफिशिएंसी वगैरह गीगाबाइट ने बताई है। प्लस एक और चीज़ है, इन्होंने एक और चीज़ मार्केट कर रहे हैं 2x कॉपर अपनी पीसीबी में, जो कि मार्केटिंग गिमिक नहीं है। ज्यादा तुमने मदरबोर्ड्स में लिखा हुआ देखा होगा कि VR सपोर्टेड, जबकि मदरबोर्ड का VR से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं ठीक है। तो लेकिन ये जो गीगाबाइट लिख रहे हैं 2x कॉपर, ये मार्केटिंग गिमिक नहीं है एक्चुअली, ये मेरे ख्याल से नॉर्मल जब तुम कॉपर यूज करते हो मदरबोर्ड में, तुम शायद 1 ounce कॉपर लेयर यूज करते हो, इसमें जो है तुम 2 ounce की यूज कर रहे हो, मतलब यूज कर रहे हैं गीगाबाइट वाले, तो इसलिए यहाँ पे 2x कॉपर है। प्लस ये जो 2x कॉपर है, बिकॉज पीसीबी मतलब तुम्हारी जो मदरबोर्ड है वो अपने आप में एक हीट सिंक का काम करता है, मतलब मदरबोर्ड खुद में क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी कॉपर्स के लिए है, तो वो अपने आप में एक हीट सिंक का भी काम करता है। तो एक तरीके से जब तुम्हारे पास डबल कॉपर है तो तुम डबल कंडक्टिविटी, तो तुम्हारी हीट डिसिपेशन मदरबोर्ड के थ्रू भी अच्छी होगी, तो वो एक चीज है। और प्लस इस कॉपर का लेयर, इसका फायदा ये है कि गीगाबाइट यहाँ पे ये यूज करता है अपना बैक प्लेट जो भी है, और ये बैक प्लेट क्योंकि थर्मल पैड से जुड़ी हुई है, और मैंने तुम्हें बोला कि डबल कॉपर
से जो है वो मदरबोर्ड की भी खुद की कंडक्टिविटी, मतलब जो भी उसकी हीट ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटीज हैं जो भी हैं वो बढ़ती हैं। तो जब तुम्हारी ये बढ़ गई कॉपर, जब तुम्हारा मदरबोर्ड की जो पीसीबी है वो खुद अच्छे से हीट ट्रांसफर कर रही है, तो उसको डेसिपेट भी तुम्हें करना है। तो उसके लिए जो है उन्होंने इतनी बड़ी बैकप्लेट लगाई है जो कि थर्मल पैड से तुम्हारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, तो थर्मल पैड हीट मदरबोर्ड से लेके इस बैकप्लेट में डालेंगे और ये जो है वो थोड़ा बहुत करती है काम एक्चुअल कूलिंग का। बट आई डोंट नो कि वो इस मदरबोर्ड में करेगी नहीं करेगी, क्योंकि इसकी पावर स्टेजेस वैसे ही अपने आप में काफी एफिशिएंट है, ये एक सोचने वाली बात है। प्लस एक और चीज मैं दिखा रहा था, आई थिंक ये तो हो गया, ये भी हो गया, आई थिंक फिर इधर होगा, यस। तो ये जो आपको राइट एंगल्स कनेक्टर्स दिख रहे हैं, आप देखो बहुत ये ऐसे मदरबोर्ड, जब तुम एक्सट्रीम सीरीज का मदरबोर्ड ले रहे हो तो एक्सट्रीम सीरीज के मदरबोर्ड महंगे होते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स गीगाबाइट का सबसे टॉप ऑफ द लाइन मदरबोर्ड है, थोड़ा बहुत तो एक्सपेंसिव हो गई होगा, बट इसको थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव बनाते हैं ये कनेक्टर, जो तुम्हें राइट एंगल कनेक्टर्स दिख रहे हैं, ये ना केवल तुम्हें केबल मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, बल्कि एक नॉर्मल कनेक्टर्स के मुकाबले राइट एंगल्स कनेक्टर लगवाना अलग से थोड़े महंगे पड़ते हैं। मतलब तुम्हें जो राइट एंगल कनेक्टर्स हैं ये थोड़े महंगे आते हैं नॉर्मल कनेक्टर्स के मुकाबले। सो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ों से भी तुम्हारी मदरबोर्ड की कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। और इसमें प्लस इन्होंने PCIe 4.0 का डिज़ाइन भी, अगर तुम ओवरव्यू देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल तुम्हारे PCIe स्लॉट्स हैं 4X वाले, PCIe स्लॉट्स हैं PCIe 4.0 वाले, नॉट 4X वाले, ये 16X है। कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है तुम किस स्लॉट में ग्राफिक कार्ड लगाते हो, उस हिसाब से चेंज होती है। यहाँ पे कुछ स्विचेस दिए हुए हैं PCIe के, और यहाँ पे तुम्हें PCIe का जो है वो रीड ड्राइवर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि PCIe 4.0 की कुछ स्पेसिफिकेशंस है जिसमें तुम्हारा स्लॉट की जो स्लॉट से तुम्हारे CPU के बीच में जो डिस्टेंस है आई थिंक मेरे ख्याल से 6 से 7 इंच के बीच में होनी चाहिए, आई थिंक 6 इंच है जहाँ तक मुझे रफ आइडिया मुझे याद आ रहा है। तो अगर तुम्हें नीचे वाले स्लॉट्स में उनको वो करना है, नीचे वाले स्लॉट्स में भी तुम्हें PCIe 4.0 चाहिए, तो तुम्हें ड्राइवर्स यूज़ करने पड़ेंगे, तो वो जो है वो तुम्हारी सिग्नल स्ट्रेंथ को बूस्ट करते हैं PCIe 4.0 की। तो उसके लिए यहाँ पे री ड्राइवर्स वगैरह दिए हुए हैं जो कि गीगाबाइट दिखा रहा है तुम्हें, और यहाँ पे यार नॉर्मल USB टर्बो चार्जर वगैरह ये तुम्हें ज़्यादातर हर गीगाबाइट के मदरबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। RGB फ्यूजन वगैरह, हाँ इनका अपना वो है RGB सॉफ्टवेयर, एंड यहाँ पे तुम्हें साउंड का वो मिल जाएगा जिसमें, तो इनका जो भी ये हाई फाई साउंड सॉल्यूशन है, ऑडियो सॉल्यूशन, इसमें तुम्हें अराउंड आई थिंक 130 dB SNR मिलता है, नॉइस टू साउंड टू नॉइज रेशियो, ठीक है। तो पहले के मदरबोर्ड में आई थिंक ये 120 dB SNR था, और अब जो है इन्होंने ये जो हाई एंड मदरबोर्ड है इनके अंदर ये 130 dB SNR देते हैं, तो जो कि इंक्रीज है 120 से 130 कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है जो ऑन बोर्ड ऑडियो यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है वो एक्सटर्नल साउंड कार्ड लगाएंगे तो उन लोग के लिए मे बी नहीं है। ऊपर से हाँ इसमें रैम सपोर्ट्स काफ़ी अच्छा है, मैं दिखाता हूँ एक मिनट, हाँ मैं ये चीज़ दिखा रहा था, नहीं कहाँ गया भाई, कहाँ गया, शिट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो इनका रैम सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, इवन दो ये एक 4 स्लॉट वाला मदरबोर्ड है, 4 स्लॉट वाला मदरबोर्ड होने के बावजूद इसकी जो इन्होंने ये अपनी XMP प्रोफाइल दिखा रहे हैं कि मतलब हमारे जो मदरबोर्ड है ये सपोर्ट करेगा अप टू 4400 MHz प्लस रैम सपोर्ट करेगा। वैसे गीगाबाइट का रैम सपोर्ट में काफ़ी अच्छा वो रैम है, जब इनका B350 यूज़ करता था मदरबोर्ड अपना जो मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, उसमें जो है काफ़ी सारे लोगों को अपने मदरबोर्ड में इश्यूज आ रहे थे एक स्पेसिफिक रैम किट को लेके, लेकिन मेरे मदरबोर्ड में वो चल गई थी नॉर्मल रैम से, जब राइजन में स्टार्टिंग में रैम के इश्यूज आ रहे थे, कोई रैम अच्छे से चल रही थी कोई नहीं चल रही थी, सो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 4400 MHz प्लस की बात हो रही है, प्लस राइजन में अभी हमें नहीं पता इनका नया मेमोरी कंट्रोल कितना पावरफुल होगा, तो अगर तुम हाई एंड रैम लगाना चाहते हो तो तुम इसमें लगा सकते हो, जो कि आई थिंक इन्होंने काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ अपनी QVL लिस्ट में ऐड किया है, ज़्यादातर ब्रांड्स को मेजर जो भी मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इन्होंने अपनी QVL लिस्ट में जो है वो ऐड किया हुआ है। सो ये मदरबोर्ड बेसिकली मेरे को इसीलिए इंप्रेसिव लगा बिकॉज इसके अंदर इंडस्ट्री का पहला 16-phase VRM कंट्रोलर यूज़ हो रहा है, और गीगाबाइट ऐसा पहला ब्रांड है जो इस 16-phase VRM कंट्रोलर को मेन स्ट्रीम CPUs में यूज़ कर रहा है, तो ये मुझे एक चीज़ लगी। और दूसरी बात, जो ये पावर स्टेजेस भी यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी वो है, आप देखो मेरे पास अगर ये मदरबोर्ड आता है, जो कि मेरी बात चल रही है कहीं से किसी गीगाबाइट से नहीं किसी थर्ड पार्टी से, कि मेरे पास ये मदरबोर्ड आ सकता है, बट फिर अगेन दो चीज़ों को लेके अभी फिलहाल बात बन नहीं रही है, बात ये नहीं बन रही कि वो मुझे मदरबोर्ड दे रहे हैं बेंचमार्क के लिए, बट मैं चाहता हूं कि मैं बेंचमार्क के अलावा इस मदरबोर्ड को खोलूं, तो उसके लिए परमिशन लेने में थोड़ी इश्यूज आ रहे हैं, बाकी अगर मुझे परमिशन मिलती है तो ही मैं इस मदरबोर्ड का ओपन टीयर डाउन वगैरह जो भी करते हैं वो करेंगे, बाकी नॉर्मल मदरबोर्ड में तो मैं क्या करूँगा मदरबोर्ड लेके, मतलब नॉर्मली तो रैम स्लॉट और फोटो और पीछे के USB पोर्ट्स तो आप नॉर्मल वीडियोस में भी देख सकते हो या फोटोज में भी गिन सकते हो या वेबसाइट पर आके देख सकते हो, मेन चीज़ तो ये जो भी गीगाबाइट के ऊपर से जो भी शील्ड्स वगैरह लगी हुई है हीट सिंक के नीचे है ना मेन चीज़ है, तो वो खोलने की परमिशन मिले तो मैं मदरबोर्ड लूँ,
वरना तो मुझे शायद मना करना पड़ेगा जहाँ से मुझे मिल रहा है। तो उम्मीद है तुमको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें कोई और स्पेसिफिक मदरबोर्ड के बारे में बताना है या जानना है या कुछ भी करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना ना भूलें। और हाँ, इसके अंदर एक 20 या 10 GB ईथरनेट भी है, सो नेटवर्किंग वाले लोगों के लिए जिनको NAS वगैरह में इंटरेस्ट है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइज़।